यहाँ पर ये जो है हमारे, पहले तो हम लोग एमुनिशन और एक्सप्लोसिव बनाने वाली फैक्ट्री है हमारी, और इसमें फर्स्ट जो कैलिबर दिखा रही है हम लोग लार्ज कैलिबर एमुनिशन से, ये ऐसे फील्ड गन से फायर किया जाता है, और इसके अलग अलग वेरिएंट्स है। ये 155 मिलीमीटर बोटेल, ये बेस ब्लेड, और फिर ये M107, और ये वाली जो शेल है वाइट वाली, ये इल्यूमिनेटिंग शेल है। और ये जो है इसके चार्ज बाई मॉलिक्यूलर चार्ज सिस्टम से, जितने अपने को फोर्स चाहिए उतने ये कलर कोड में इसके चार्जेस स्पेसिफाई किया जाता है, और वो लोड करने के बाद ये इसको चार्ज देता है, इसको प्रेशर देके ये बाहर फेंकने का काम करता है। ये हमारे एक्सप्लोजिव्स है ENT, ये अलग अलग प्रकार RDX, ये सब इसके अंदर भरा जाता है। उसके बाद में हम लोगों का ये है टैंक एम्युनिशन, जो टैंक से फायर किया जाता है। उसमें तीन वेरिएंट्स आते हैं इसमें, एक तो हीट, ये हाई एक्सप्लोजिव हीट जनरेट एंटी टैंक बोलते हैं। उसके बाद में 84 मिलीमीटर, जिसमें से स्मोक क्रिएट किया जाता है। तो ये जो स्मोक जो है, यो एक ट्रूप को यहाँ से वहाँ जाने के लिए, पासेज होने के लिए यूज़ किया जाता है। और 84 मिलीमीटर जो है इल्यूमिनेटिंग का मतलब ये है कि ये अंधेरे में रात में आगे क्या है, ट्रूप सही क्या नहीं, सामने दिखने के लिए एक लाइट क्रिएट किया करता है, लाइट जनरेट होता है। उसके बाद में ये जो है हमारे मोटर बॉम एमिनेशन, ये ऐसा टाइप का एक मोटर रहता है, इसको मजल से लोड किया जाता है। इसमें भी तीन वेरिएंट है, ये मोटर और ये वाले, इसमें एक और एक आता है स्मोक और ये इल्यूमिनेटिंग। इसमें 120 मिलीमीटर है और एक 51 मिलीमीटर से मजल लोडिंग है। वार फ्रंट में देखा जाता है कि यहाँ से लोड करने के बाद इसको दूसरी तरफ फेंका जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रेंज में आता है, ये सब हमारे हैंड ग्रेनेड्स है। जो स्टैंडर्ड जो हैंड ग्रेनेड्स है, ये आपने देखा रहेगा कि ये क्लिप निकाल के फेंका जाता है, मगर इसमें ये वाली, तो इसमें ऐसा है कि थोड़ा सेफ्टी के लिए, थोड़ा ज़्यादा रेंज मिलने के लिए इसको मशीन से लोड करके फेंका जाता है, और ऑटोमेशन में इसको फायर किया जाता है। ये ऐसे सिस्टम में इसको फायर होता है। उसके बाद में हमारा जो, ये तो ग्रेनेड्स हो गए, ये स्मॉल आर्म्स एमिनेशन पे जब लास्ट में जो 1-to-1 फाइट होता है, 1-to-1 फाइट में हर एक आदमी को पर्सनली जाके सामने कॉम्बैट में एंगेज होके उसको फिर किल करने के लिए लगता है। तो इसमें हमारा अलग अलग वेरिएंट्स है। ये है हमारे जो रिवॉल्वर में लगने वाले है, जो 380 है। उसके बाद में ये जो है, ये पिस्टल में यूज होता है, 3-2 पिस्टल, और ये जो 3-2 पर्सनल प्रोटेक्टिव के लिए भी यूज़ होता है। जो लाइसेंस होल्डर रहते हैं उनके पास ये एमिनेशन मिलता है। फिर ये है जो हमारी इंडियन आर्मी यूज़ करती है, 7.62। इसमें तीन वेरिएंट्स है, 7.62x39, 7.62x51 एंड 7.62x54। तो तीनों वेरिएंट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके बाद में जो 5.56 सीरीज है, उसमें ये नेटो वर्जन है, 1-2 और ये 3। ये तीनों, एक M855, एक M193 और एक 109, ये तीनों वर्जन्स जो एक्सपोर्ट्स में जाते हैं, 5.56 फैमिली के जो वेपन्स यूज़ होता है उसमें ये एमिनेशन यूज़ होती है। इसके बाद में ये 9mm जो है, 9mm जो एंटी पर्सनल रिवॉल्वर और तुम्हारा कार्बाइन्स में यूज़ होती है। 9mm ट्रेसर, इसका काम है पार्ट ट्रेस करना। मिलिट्री जो फौजी जा रहा है उसको कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इसका काम है जाते वक्त पीछे से एक लाइट छोड़ना है, और वो लाइट ट्रेस करते हुए जाना कि पाथ ट्रेस करना है। फिर 5.56 फैमिली में अभी और एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो कार्बाइन्स भी यूज़ होता है। तो ये छोटा एमिनेशन है, मगर इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और इसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। उसके बाद में ये सिविल ट्रेड आइटम है, 8mm एंड 0.22 स्पोर्टिंग एमिनेशन है, 0.22 जो स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, और ये सिविल में हंटिंग पर्पज़ के लिए 8mm यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर अभी
हमारे पास हमको जो बॉम्ब्स में यूज होता है उसमें फ्यूज लगता है, फ्यूज भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर यहाँ पर हमारे एयरफोर्स के एम्युनिशन है जो एयर से नीचे दागा जाता है, तो उसमें एरियल बॉम्ब्स में 500 केजी, 1000 एलबीएस पाउंड्स, 450 केजी और 250 केजी, ये देखा ऐसे देखता है कि यहाँ से इसको फायर किया गया है। फिर ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के हैं, ये सरफेस टू एयर में यूज़ किया जाता है ये वाले। आगे ये नेवल एमिनेशन है जो शिप के ऊपर लोड करके फायर किया जाता है, ये हमारी माइन मेंडका है। माइन मेंडका का काम ये है कि ये माइन ये पानी में जाके शिप में लगा दिया जाता है और फिर रिमोट कंट्रोल्ड इसको फायर किया जाता है। ये हमारे पिनाका रॉकेट्स है, पिनाका रॉकेट्स वहाँ पर देखा जाया गया है कि ये सेल्वो मोड में फायर किया जाता है। दिस इज द बेल्टेड एमिनेशन और ऑटो फीडिंग होता है गन में, और ट्राइपॉड स्टैंड पे ये इसको लगा के इसको फायर किया जाता है। दैट्स इट।